नमस्कार दोस्तों, चीन के चाणक्य कहे जाने वाले वांग यी इन दिनों यूरोप के दौरे पर है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से यूक्रेन में शांति के लिए सहमति बनाई जा सके। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक प्लान का जल्द ही ऐलान करने वाले हैं। यही नहीं, अब भारत पर भी दुनिया की नजरें टिक गई है जो रूस के सबसे करीबी देशों में शामिल है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के एक साल पूरा होने जा रहे हैं और इसका अंत होता नहीं दिख रहा है। रूस जहां इस युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को भी अपना बहुत सारा हिस्सा गंवाना पड़ा है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का दौरा करके रूस को साफ संदेश दिया है कि वो यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देते रहेंगे। यूक्रेन युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध में बदलने का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बजाय से दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी की हालत क्या है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके चलते पाकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे देशों की हालत खस्ता हो गई है। दोस्तों, इसी बीच शांति के लिए भी हाई वोल्टेज प्रयास शुरू हो गए हैं। यह प्रयास चीन की ओर से शुरू किया गया है। चीन चाहता है कि वो यूक्रेन में शांति स्थापित कराने वाला देश बने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरे होने पर शांति भाषण देने वाले हैं। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक योजना का ऐलान कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति के दाहिना हाथ कहे जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री वांग यी इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के दौरे पर है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से यूक्रेन और रूस के बीच शांति कायम किया जा सके। दोस्तों, वही दूसरी तरफ वेस्टर्न देश और यूरोपीय देश चाहता है कि चीन की इस प्रयास में भारत भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत भी रूस का खास दोस्त है। भारत के साथ रूस का सालों पुराना संबंध है और भारत को इस मुद्दे पर आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। इससे पहले भारत ने ही पहली बार रूस को युद्ध रोकने की नसीहत दी थी। पीएम मोदी ने तो समरकंद में खुलकर पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंता जता दी थी। दोस्तों, आने वाले दिनों में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। यह भारत के लिए यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। भारत और चीन दोनों ही रूस के करीबी दोस्त हैं और दुनिया को अपेक्षा है कि ये दोनों देश ही पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मनाए। चीन और भारत दोनों ने ही रूसी हमले की अब तक निंदा नहीं की है, लेकिन इसका समर्थन भी नहीं किया है। अब चीन तो अपना पहला कदम चल चुका है, जरूरत है तो सिर्फ भारत को आगे बढ़कर इस पर कोई ठोस कदम उठाए ताकि तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में दुनिया में भारत का अहम योगदान रहे, ना कि सिर्फ चीन अकेले इसका क्रेडिट ले सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को आगे बढ़कर रूस और यूक्रेन के साथ बात करनी चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।